241 एकड़ में सजेगी श्री राम की भव्य मूर्ति। अयोध्या में 1433 एकड़ में बसेगी ग्रीन टाउनशिप। माझा बरहटा में लगेगी श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति। जमीन अधिग्रहण का कार्य अब अंतिम चरण में। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को मिल रहा भरपूर चंदा। अयोध्या के माझा बरहटा में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने की प्रक्रिया में अब तेजी आ गई है। भूमि अधिग्रहण का आधे से अधिक काम हो चुका है। अभी तक यहां 100 एकड़ के क्षेत्र में मूर्ति स्थापना स्थल को विकसित किया जाना था, लेकिन अब जमीन का आकार बढ़कर 2.5 गुना हो गया है। अयोध्या आवास विकास परिषद ने यहां की जमीन का दायरा बढ़ा दिया है। पर्यटन विभाग मूर्ति के अलावा यहां डिजिटल श्री राम संग्रहालय, श्री राम विवेचन केंद्र, पुस्तकालय, पार्किंग, कैंटीन तो विकसित करेगा ही। देश के लगभग सभी राज्यों का यहां अपना गेस्ट हाउस बनाने के लिए जमीन का आवंटन भी करेगा। इस वजह से जमीन का दायरा बढ़कर 241 एकड़ हो गया है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं राम मंदिर के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही अयोध्या की विकास यात्रा के बारे में। अयोध्या में विकसित हो रही ग्रीन टाउनशिप। अयोध्या में आवास विकास परिषद ग्रीन टाउनशिप योजना विकसित कर रहा है। इसके लिए माझा बरहटा, माझा तिहुरा और माझा शाहनवाजपुर की 1192 एकड़ भूमि गृह स्थान और हाट बाजार योजना के लिए अधिग्रहित की जानी है। अब तक 60% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इस भूखंड में हाईवे से सटे माझा बरहटा में 2011 में ही अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र के लिए पर्यटन विभाग को भूमि अधिग्रहित कर दी गई थी। इसी भूमि के एक हिस्से में अब आधुनिक बस अड्डा आबाद हो चुका है। ग्रीन टाउनशिप के ही एक हिस्से की करीब 100 एकड़ भूमि में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना का विचार था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 241 एकड़ कर दिया गया है। इस तरह टाउनशिप का दायरा 1192 एकड़ से बढ़कर अब 1433 एकड़ हो गया है। 251 मीटर ऊंची मूर्ति लगेगी। भगवान श्री राम के नाम पर 241 एकड़ में विकसित होने वाले पार्क में पर्यटन विभाग भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति के अलावा व्याख्यान केंद्र, पुस्तकालय, फूड प्लाजा, पर्यटक पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित करेगा। इसके लिए बरहटा के न्यूर का पुरवा, धर्मू का पुरवा और छोटा मुझनिया मजरे जैसे कई गांवों की जमीनें ली जानी हैं। मूर्ति लगाने की योजना 3 वर्षों से चल रही है। सबसे पहले इसके लिए मीरापुर दोआबा गांव में 61 हेक्टेयर पर मूर्ति लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। यहां मुआवजे को लेकर स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, कुछ को मुआवजा भी बटा। इसके बाद भूमि संरक्षण समिति ने इस भूमि को उचित नहीं बताया तो इस स्थल को छोड़ करके बरहटा में जमीन तलाशी गई। जमीन अधिग्रहण में पेच, मामला हाईकोर्ट में। अयोध्या के अपर आयुक्त आवास डॉक्टर नीरज शुक्ला का कहना है कि माझा बरहटा में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के दस्तावेज दुरुस्त नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि 1952 के बाद से यहां चकबंदी ही नहीं हुई। इस बीच सरयू की धारा बदल जाने से जमीन कहीं सरयू के कटान तो कहीं उसकी तलहटी में चली गई। इसके बाद यह गांव नगर निगम में आ गया, इसलिए जमीनी हक का विवाद पचड़े में फंसा है। गांव के पूर्व ग्राम प्रधान राम प्रताप उर्फ लड्डू लाल बताते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय में माझा बरहटा गांव की भूमि अयोध्या के राजा की जागीर थी। सीलिंग एक्ट के बाद राजा ने इस जमीन को अपने नौकरों के नाम पर भूमि रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर दिया। 1990 में महर्षि महेश योगी के ट्रस्ट महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने इन्हीं लोगों से ये जमीन खरीद ली। अब यह मामला हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने सीआरओ से इस जमीन का खसरा मांगा है।
पत्थर तराशी के लिए राजस्थान में 4 कार्यशालाएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के अनुसार मंदिर निर्माण के फाउंडेशन यानी सेकंड फेज ऑफ फाउंडेशन का काम अब महज 5 से 10% ही बचा हुआ है। मजबूत चट्टान के ऊपर कंक्रीट बन रहा है, उसके बाद पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर प्लिंथ तैयार की जाएगी। फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में प्लिंथ के पत्थरों को जोड़ने का काम आरंभ हो जाएगा। राजस्थान की कार्यशाला में मंदिर निर्माण में प्रयोग होने वाले पत्थरों को तराशा जा रहा है। राजस्थान में मकराना मार्बल की एक कार्यशाला है, जबकि पिंक सैंड स्टोन की 3 अन्य कार्यशालाएं अभी 1-1 लाख घन फुट पत्थरों की नक्काशी का काम कर रही हैं। हर कार्यशाला को तय समय में पत्थरों को तराशने का काम पूरा करना है। राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की नीलामी सिलेक्शन का काम भी पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर के लिए 5,000 करोड़ की समर्पण निधि। राम मंदिर निर्माण की गतिविधियों के बीच श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम भी जोरों पर चल रहा है। मंदिर की नींव के दूसरे फेज में राफ्ट की ढलाई 90% पूरी हो चुकी है। निर्माण कार्य के लिए देश भर के राम भक्त दिल खोल कर दान दे रहे हैं। अप्रैल 2020 में जैसे ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का खाता खुला, मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने समर्पण निधि देनी शुरू कर दी थी। रामलला के प्रति गहरी आस्था का ही परिणाम है कि 1.5 साल के भीतर 5,000 करोड़ से अधिक की समर्पण निधि मिल चुकी है। प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू ने सर्वाधिक 11 करोड़ दिए हैं तो महावीर ट्रस्ट पटना भी अब तक 4 करोड़ दे चुका है। खाता खुलने के बाद ट्रस्ट ने विज्ञापन और सोशल मीडिया के जरिए भक्तों से दान की अपील की थी। ट्रस्ट ने इस वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान भी चलाया था। बड़े उद्योगपतियों से अभी नहीं लिया गया दान। भक्तों में श्री राम मंदिर के प्रति आस्था का आलम यह है कि कोरोना काल में जब पूरा देश लगभग थमसा गया था, तब अप्रैल 2020 के माह में अप्रैल और मई में 4.5 करोड़ का दान ट्रस्ट को मिला था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता बताते हैं, निर्माण के लिए दान का सिलसिला जारी है। कार्यालय में प्रतिदिन हजारों की नकदी सहित चेक भी आ रहे हैं। ट्रस्ट ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी अब तक राम मंदिर के लिए दान देने की अपील नहीं की है। ट्रस्ट का कहना है कि अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। विदेशी भक्तों द्वारा भी अभी तक श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान नहीं लिया जा सका है। विदेशी दान के लिए ट्रस्ट के पास FCRA की वैधता होनी चाहिए, जिसके लिए 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य है। ट्रस्ट अभी तक 3 साल का नहीं हुआ है, इसलिए विदेशी दान प्राप्त करने में अभी कुछ समय लगेगा। ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में लोग ट्रस्ट को दान भेज रहे हैं। अब तक करीब 15,000 लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए ऑनलाइन दान दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार राम मंदिर निर्माण के साथ ही कई अन्य और कार्य भी अयोध्या में चल रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ रिटेनिंग वॉल बनाने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिटेनिंग वॉल का मतलब होता है मिट्टी का कटान रोकने के लिए मजबूत दीवार का निर्माण। ये दीवार जमीन के अंदर जाती है, ये उतनी ही गहराई तक जाएगी जितनी गहराई तक सरयू का जल जून माह में रहता है, ताकि पानी नदी का अगर कभी बढ़ जाए तो अंदर की मिट्टी काट कर न बह सके। इसकी मजबूती चट्टान की तरह होगी। रामलला परिसर के अंदर जमीन के समतलीकरण का भी काम जारी है। हर कार्य समय से पूरा हो, इसका पूरा प्रयास है। बहरहाल, राम मंदिर का निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।